ओके गाइस, जर्सी चाय रहा हूँ। चाय मिल गई भाई, इतने दिनों बाद चाय पी रहे हैं। बेस्ट लगती है भाई यहाँ की चाय। ये 20 वाला कुल्हड़ है, काफी बड़ा है भाई, ये देख रहे हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग क्या अभी पता है, मैं ये पहला व्लॉग है जो मैं रात के 8 बजे शुरू कर रहा हूँ। इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं कल रात में वीडियो ट्रांसफर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मुझे नींद बहुत तेज आती थी, मैं सो गया। सुबह उठा, मैंने ब्लॉग एडिट किया, मैंने गेमिंग चैनल की वीडियो बनाई और वाईफाई नहीं चल रहा था तो अपलोड भी नहीं कर पाया था। उसके बाद थोड़ा काम था, इधर उधर चला गया और घर पर फिर एसी ठीक करवाने, वो गैस ऐसी नहीं भरती एसी में, दीदी के रूम में जो एसी लगी उसके लिए। ये बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना, तो इस चक्कर से मैं पूरे दिन ब्लॉग बना नहीं पाया। अभी शाम को वाईफाई चला तो मैंने दोनों वीडियोज़ अपलोड करी है और अभी सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाहर जाके चला जाता हूँ इको गार्डन तक या कुछ खाने, 3-4 मिनट का कुछ शूट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एक भी दिन की स्ट्रीक टूटे, क्योंकि अभी ये 4th महीना लग चुका है मेरी डेली ब्लॉगिंग का। अब मैं जब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ तब तक करूँगा। होपफुली सोचा है कि पूरा साल भर अगर हो पाया तो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, हो पाया तो करेंगे ज़रूर, एटलीस्ट जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक तो करूँगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ब्लॉग बनाने में। फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी चलते हैं बाहर। सोचा इको गार्डन तक चले, चाय पी के आए या फिर कुछ खाते हैं। मैं तो मन कर रहा है नॉनवेज खाने का, वैसे कल खाया था। मेन पता दिक्कत ये है कि आलमबाग में जिस तरफ मैं रहता हूँ ना, पकरीकुल साइड, उस तरफ कोई नॉनवेज की अच्छी दुकान नहीं है। वेज में आपको अच्छा मिल जाएगा, या तो सीधा मेट्रो स्टेशन है ना, उधर जाना पड़ता है नॉनवेज खाने के लिए, या तो सीधा आशियाना जाना पड़ता है नॉनवेज खाने के लिए। इधर कोई नॉनवेज ही है नहीं, है ऐसा नहीं, 2-4 दुकानें हैं लेकिन वो ना ऐसा लोकल टाइप का, मुझे उनका खाना एक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये देखते भी क्या करना है, अभी चलते हैं बाहर भाई। एक सांस में इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने। ओके गाइस, तो अंडा खा चुका हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इको गार्डन तक चलते हैं, चाय भी क्या आते हैं, थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँगा क्योंकि मैंने अभी तक कुछ शूट भी नहीं किया। ओके गाइस, तो पिंक लाइट खुली है, मतलब जर्सी ने गाइस अभी पिंक वाली लाइट खुली है, मतलब जर्सी चाय खुली है। अभी मस्त एक चाय पीते हैं थोड़ी देर, इको गार्डन में बैठते और फिर घर चलते हैं। ओके गाइस, जर्सी चाय रहा हूँ, चाय मिल गई भाई, इतने दिनों बाद चाय पी रहे हैं। बेस्ट लगती है भाई यहाँ की चाय। ये 20 वाला कुल्हड़ है, काफ़ी बड़ा है भाई, ये देख रहे हो, इसको पीते हैं और घर चलते हैं। ओके गाइस, तो चाय पी चुका हूँ मैं, अभी घर जा रहा हूँ। इको गार्डन पे नहीं बैठा क्योंकि टाइम हो रहा था, 9 बज चुके थे और मैं खाना खा लेता हूँ, 9 बजे तक मुझे भूख लग रही थी, इसे सोचा घर चल के खाना खा के व्लॉग एडिट कर ही देते हैं और सो जाते हैं क्योंकि मंडे से तो मुझे जिम जाना है भाई, सुबह जल्दी उठ के ट्राई करूँगा। ठीक है, तुम घर आ चुका हूँ चाय पी के। भाई मैंने कितनी बार बता रखा है कि जर्सी की चाय मुझे पूरे एटलीस्ट लखनऊ में कह सकती हूँ मुझे बहुत पसंद है। शर्मा जी की चाय ओवर रेटेड है और जर्सी चाय अंडर रेटेड है, मैंने बहुत बार बता रखा है। इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, पता है कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाया मैं क्योंकि रात के 8 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी बस खाना खा के एडिट करके सो जाऊंगा क्योंकि अब से मुझे जल्दी उठने की आदत डालनी है ताकि मैं सुबह अब जिम ना मिस करूँ क्योंकि जिम भी बहुत मिस हो रहा है। सुबह उठ जाऊंगा तो मेरे सारे काम भी हो जाते हैं, जिम भी जा लेता हूँ प्रॉपर नहा के, फिर कॉलेज सब कुछ हो जाता है मतलब। तो वही अभी मैं जल्दी से ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, एडिट करके खाना खा के सो जाऊँगा। तो वही सीन था, अगर आप सबने एंड तक देखा हो, इतना छोटा सा ब्लॉग, पता नहीं 2-3 मिनट का बना होगा। चैनल पर गए और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Out here on the street.